हे hey एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। सो दोस्तों, अब ह्यूमैनिटीज़ का यानी क्लास ट्वेल्थ की अगर हम बात करें तो पेपर जो है सीबीएसई बोर्ड के समाप्त हो चुके हैं। कल हिस्ट्री का लास्ट पेपर था। अब हमारे पास दोस्तों जो समय बचा हुआ है, उस समय का हमें अब सदुपयोग करना है अपने सीयूटी एग्ज़ाम के लिए। अगर आप सही मायनों में बेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हैं तो ये जो आने वाला समय है 1 से 2 महीने का, हो सकता है आपका पेपर 10 जुलाई के हो जाए, बट अभी 10 जुलाई से लेकर लास्ट वीक ऑफ जुलाई तक हम एक मान कर चलते हैं कि इस जुलाई के एंड तक जो है आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा सीयूटी का। तो ऐसे में जितना भी हमारे पास समय बचा हुआ है दोस्तों, उस पर हमें अपने सीयूटी एग्ज़ाम पर पूरी तरह से फोकस करना है और अच्छे से कॉलेज में एडमिशन लेना और अपने करियर को, अपने महत्वाकांक्षाओं को और अपने जो हमारा गोल है, जो हमने डिसाइड किया उसे प्राप्त करने में अपना अगला कदम बढ़ाने वाले हैं। सो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि सीयूटी जो ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट है, अगर आपका पॉलिटिकल साइंस डोमेन है या हिस्ट्री डोमेन सब है, तो हमें कौन कौन से पार्ट करने, कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से चैप्टर इस बार सीयूटी में पूछे जाने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट दोस्तों जो है हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस डोमेन सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन सा चैप्टर आएगा, कौन सा नहीं आएगा, किस तरीके से हमारी तैयारी होनी चाहिए, क्या क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है, क्या कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ना सही रहेगा या केवल और केवल फैक्ट पढ़ना सही रहेगा, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाले। तो एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली दोस्तों। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी इल्तिजा, अगर वीडियो आप देख रहे हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे चैनल के द्वारा जो भी वीडियो अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन आप तभी तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का जो डोमेन सब्जेक्ट है सीयूटी के लिए, उसमें कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है। तो जल्दी दोस्तों अपनी पुस्तक निकाल लें और उस पर आप निशान लगा लीजिए कौन कौन से चैप्टर हमें क्लियर करना है। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, जो आप सभी का क्लास ट्वेल्थ का सिलेबस है उस सिलेबस से ज़्यादा आ रहा है। जी हाँ, यानी अभी हमने सेकेंड टर्म एग्जाम में, फर्स्ट टर्म एग्जाम में जो पढ़ा उसमें जो हमारा सिलेबस था और जो सीयूटी के सिलेबस में काफ़ी अंतर है। तो हम एक बार देख लेते हैं कि सीयूटी में इतिहास में कौन कौन से चैप्टर हमें क्लियर करने, कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ना है। तो सबसे पहला अगर हम बात करें तो सबसे पहला चैप्टर ईट मन के तथा अस्थियाँ, यानी हड़प्पा सभ्यता से का जो पूरा चैप्टर हड़प्पा सभ्यता आ रहा है, तो इस पर आप निशान लगा लीजिए। सेकेंड चैप्टर राजा किसान और नगर, जी हाँ, राजा किसान और नगर आ रहा है, मौर्य साम्राज्य, अशोक, ठीक है, ये इसके अलावा दक्षिण के राज्य के बारे में पढ़ेंगे तो सेकेंड चैप्टर भी आ रहा है सीयूटी के डोमेन सब्जेक्ट में अगर आप हिस्ट्री ले रखे हैं तो। इसके अलावा थर्ड चैप्टर जो है बंधुत्व जाति तथा वर्ग, बंधुत्व जाति वर्ग भी आ रहा है। फोर्थ चैप्टर दोस्तों आपका है विचारक विश्वास और इमारतें, तो विचारक और विश्वास इमारतें, ये भी आपको चैप्टर आपको पढ़ना है, जो कि अभी सेकेंड टर्म एग्जाम में आपको या फर्स्ट टर्म एग्जाम में आपको नहीं पढ़ना, लेकिन ये भी दो आपको सीयूटी के लिए आपको पढ़ना ही पढ़ना है एनटीए द्वारा। चैप्टर नंबर 5 यात्रियों के नज़रिए, जी हाँ, यात्रियों के नज़रिए, जितने भी बाहरी यात्री आए थे, चाहे वो अब्दुल रजाक हो, ठीक है, जितने भी यात्री थे उनके बारे में हमें पढ़ना है। चैप्टर नंबर 6 भक्ति सूफी परंपराएं, धार्मिक विश्वासों में बदलाव, तो भक्ति सूफी परंपराएं भी हमें पढ़ना है चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 7 एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, विजयनगर का भी चैप्टर हमें करना है। चैप्टर नंबर 8 किसान जमींदार और राज्य, किसान जमींदार और राज्य वाला चैप्टर भी हमें करना है। चैप्टर 9 अभी हमें करना है कि शासक और विभिन्न इतिवृत्त मुगल दरबार, ये भी हमें करना है। चैप्टर 10 उपनिवेशवाद और देहात, इसे भी हमें करना है। चैप्टर 11 विद्रोही और राज, 1857 का जो रिवोल्यूशन था 1857 का, उसे भी हमें क्लियर करना है। चैप्टर 11 चैप्टर 12 जो है वो है औपनिवेशिक और शहर नगरीकरण और नगर योजना, इसे भी हमें पढ़ना है। चैप्टर 13 महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, सविनय आंदोलन, उससे आगे की ओर हमें पढ़ना है। 14 है विभाजन को समझना और 15 चैप्टर दोस्तों जो आपका है संविधान का निर्माण, यानी इतिहास में आपकी पूरी, इतिहास में अगर हम बात करें दोस्तों तीनों पुस्तकें जो आपकी हमें हमारी जो तीन पुस्तकें हैं जो तीन भागों में बांटा गया, तीनों पुस्तकें आपके सीयूटी के एग्जाम में आ रही हैं, क्लियर। तो इतिहास में क्या आ रहा है दोस्तों, एक भी चैप्टर छूटा नहीं, सभी कंप्लीट जिसे कहते हैं पूरा इतिहास आ रहा है, एक भी चैप्टर नहीं छूट रहा है, तो इतिहास तो कंप्लीट आ रहा है। अब बात कर लेते हैं राजनीति विज्ञान,
तो राजनीति विज्ञान की जो पहली पुस्तक है आपका क्या नाम है, समकालीन विश्व राजनीति। तो समकालीन विश्व राजनीति से सभी चैप्टर आ रहे हैं, ऑलमोस्ट सभी चैप्टर आ रहे हैं। शीत युद्ध का दौर आ रहा है, दो ध्रुवीयता का अंत, समकालीन विश्व राजनीति में अमेरिकी वर्चस्व, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, समकालीन दक्षिण एशिया, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, समकालीन विश्व में सुरक्षा, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, वैश्वीकरण, यानी कंप्लीट बुक वन जो कंप्लीट आ रही है। इसी प्रकार से दोस्तों जो कंप्लीट बुक सेकेंड यानी स्वतंत्र भारत में राजनीति, स्वतंत्र भारत में राजनीति वाली भी पुस्तक भी सभी अध्याय आ रहे हैं आपके CUT एग्जाम में, NTA द्वारा जो UG यानी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए जो परीक्षा ली जा रही है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए, उसमें सभी चैप्टर आ रहे हैं। एक भी चैप्टर दोस्तों जो है कि नहीं आएगा, सभी चैप्टर आ रहे हैं। तो सभी पार्टों पर आपको निशान लगाना है। अब हम बात करते हैं कि क्या तैयारी कैसे करनी है हमें, राइट, हमें तैयारी कैसे करनी है, क्या केवल हमें कॉन्सेप्ट वाइज तैयारी करनी है या हमें जो फैक्ट पढ़ना है केवल। तो दोस्तों अगर हम CUT की एग्ज़ाम की बात करें तो CUT एग्ज़ाम में जो सिलेबस दे रखा है वहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ फैक्ट भी, यानी कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको फैक्ट भी पढ़ना है, ठीक है। तो यानी हमें अपने पहले पार्ट से लेकर, अगर हम इतिहास से शुरू करेंगे तो इतिहास ईट मन के तथा अस्थियाँ, तो ईट मन के अस्थियाँ से हमें कैसे पढ़ना है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम बात करते कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई, तो हड़प्पा सभ्यता खोज कब की ये तो है ही, इसके साथ साथ हमें पढ़ना है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, सबसे पहली बार हड़प्पा सभ्यता की खुदाई कहाँ की गई, किसके द्वारा सबसे पहली बार हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता चलता है, किसने विश्व को सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की जानकारी दी, हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है। इस तरह से कॉन्सेप्ट लेकर दोस्तों फैक्ट वाले क्वेश्चन भी हमें करने हैं, कंप्लीट सभी चीज़ें हमें करनी है। और द पॉलिटिकल मास्टर्स चैनल पर दोस्तों आपको डे वन से लेकर पेपर तक की सारी चीज़ें हम करवाएंगे, यानी जीरो से लेकर सक्सेस तक, यानी जीरो से लेकर हीरो बनने तक, यानी हम आपका तब तक साथ नहीं छोड़ेंगे जब तक आपका अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं हो जाता। सो दोस्तों जो भी समय आपके पास है, अभी जितना भी समय बचा हुआ, चाहे वो एक महीना हो चाहे दो महीना हो, आपको बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतनी है। मैं फिर से आपको कह दूं कि बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतनी, कि आपको लगे अभी तो कल ही पेपर जो है बोर्ड के समाप्त हुए हैं, अब फिर से हमें CUET की एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो आपको दोस्तों करनी है। अगर सही मायनों में आपको लाइफ में कुछ करना है, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, अपने करियर को ऊंचाइयों पर ले जाना, बुलंदियों पर ले जाना, तो आपको पढ़ाई तो करनी होगी। और आप अभी से थक नहीं सकते, क्योंकि आपको चलते रहना है तब तक जब तक आपको अपनी मंजिल नहीं मिल जाती। क्योंकि सेकेंड टर्म एग्ज़ाम में आपको पता है कि ज़्यादा सिलेबस नहीं आया था, फर्स्ट टर्म में भी ज़्यादा सिलेबस नहीं आया, सभी ऑलमोस्ट 30% सिलेबस तो कट गया था, लेकिन CUET में सभी सिलेबस आ रहे, सभी चैप्टर आ रहे, तो उसके अकॉर्डिंग हमें अभी से तैयारी शुरू कर देनी। कम समय है हमारे पास, ज़्यादा सिलेबस है, और हमें दो प्रकार से सोच करना, क्योंकि सब्जेक्टिव के साथ साथ आपको जो है फैक्चुअल पर ज़्यादा, फैक्ट पर ज़्यादा ध्यान देना है। अब मान लेते हैं आप बार बार पढ़ते थे कि शीत युद्ध क्या है, तो हमने बार बार शीत युद्ध के डेफिनेशन लिख दिया, अब आपको कथन वहाँ पर दिया जाएगा, भाई इसमें से शीत युद्ध क्या है, तो इस तरह चार कथन दिया जाएगा, तो शीत युद्ध क्या, इसमें चार कथन में आपको कथन जो सही करना पड़ेगा। इसी प्रकार से कथन और कारण वाले भी क्वेश्चन आएंगे, तो ये सभी चीज़ें आपने जो फर्स्ट टर्म में देखा था कि इस तरह से क्वेश्चन आए थे, तो ऐसे क्वेश्चन इसमें भरमार रहेगी। तो आपको 0% भी कोताही नहीं बरतनी है। आपको करना क्या है, द पॉलिटिकल मास्टर चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना है। हमारे यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें मंडे से जो है डेली बेसिस पर हमारे यहाँ पर, हमारे चैनल पर जो है दोस्तों CUET की हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की जो है क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने के लिए दोस्तों जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है वहाँ पर आप हमें फ़ोन पे गूगल पे कर सकते हैं। फीस बहुत कम रखी है हमने, ऑनलाइन फीस जो है क्लास 12th के डोमेन सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो हमने केवल मात्र रखी है 599 में। हम आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएंगे, कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाएंगे। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको 9953554214 पर जो है दोस्तों आपको
क्लास सब्जेक्ट लिखकर जो है आपको मैसेज करना होगा और हम आपको वहां पर ऐड कर लेंगे। तो इस तरह से आपको दोस्तों करना है डे वन से, यानी ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन आपको मिलेंगे हमारे चैनल पर कॉन्सेप्ट वाइज। यानी अगर सही मायनों में आपने इस दिन हमें जो है ज्वाइन कर लिए तो आप गारंटी से अच्छे कॉलेज में आपको दाखिला हो जाएगा। बट आपको वो जो सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करें उसे आपको प्रैक्टिस और हमारे साथ जुड़ा रहने होगा और साथ ही साथ अपने ऊपर मेहनत करनी होगी। जो भी आपका वीक पॉइंट है उस पर जो आपको मेहनत करनी होगी, राइट, तो वो सारी चीज़ें हम करने वाले हैं अपने इस नए प्रोग्राम में। सो प्लीज़ हमें ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन बटन पर क्लिक कर या आप हमें व्हाट्सएप पे या आप मैसेज भी कर सकते हैं, आप हमें पेटीएम या फ़ोनपे करके भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं 59 रुपीज़। सो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर कोई भी क्वेरीज हो CUET से संबंधित, डोमेन सब्जेक्ट संबंधित, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हमें टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं, साथ ही साथ दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। सभी का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ हमें जाकर फॉलो कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।